इंडिया अलायंस को है एनडीए में फूट का इंतजार। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया इंडिया। एनडीए के घटक दलों को मनाने पटाने में जुटी भाजपा। अगले 24 घंटे में बिहार में हो जाएगा सीटों का बंटवारा। बिहार से भाजपा के बड़े नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार देर रात हम नेता और पूर्व मंत्री संतोष सुमन से मुलाकात किया। ठीक एक दिन पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान तो सीधे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। उन्हें शायद वाया मीडिया पसंद नहीं है। ये सारी कवायद तब हो रही है जब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीत की स्थिति है। भाजपा के जिन जिन नेताओं ने घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की, जाहिर है कि उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इसका आदेश मिला होगा। चुनावी मौसम में जब दो नेता मिलते हैं तो वे सिर्फ कुशल क्षेम तक ही सीमित नहीं रहते, वे यकीनन चुनावी चर्चा ही करते होंगे। ये मुलाकातें तब हो रही है जब एनडीए के घटक दल सीट शेयरिंग में अपनी हिस्सेदारी जानने को बेताब है। कुछ रूठ रहे हैं तो कई मुंह फुलाए हुए हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस बार ठोक बजाकर सीटों पर बात करेंगे। आश्चर्य यह है कि मुलाकातों के बाद सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। सबने एक स्वर में कहा कि बिहार में एनडीए हर हाल में 40 की 40 सीटें जीतेगा। चिराग पासवान ने रविवार को हुई रैली में तो ये बात नहीं की, लेकिन बाद में मीडिया से जरूर कहा कि एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अब ये स्वाभाविक सवाल है कि एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात घटक दलों के नेता कह रहे हैं, लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतने का विश्वास भी जता रहे, फिर सामूहिक बैठकों की जगह अलग अलग मुलाकातें के मायने क्या है। दरअसल बिहार एनडीए में अभी 6 दल शामिल है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा, रामविलास पशुपति पारस के नेतृत्व वाली रालोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के अलावा भाजपा और जदयू शामिल है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने 17 सीटों पर लड़कर सभी सीट जीत लिया था, जबकि जदयू ने 17 पर लड़कर 16 सीट जीता था। लोजपा के खाते में 6 सीटें आई थी, यानी तब के एनडीए में 3 दलों ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। अब इनकी संख्या 6 हो गई है। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी भी आने को बेचैन है। इसके नेता मुकेश साहनी दिल्ली के दौरे पर है। बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। पिछली बार की जीती सीटें अगर उन दलों को मिल जाती है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम और मुकेश साहनी के वीआईपी को भाजपा सीटें कहां से देगी। भाजपा एनडीए में इस बार भी नेतृत्व कर रही है तो उसे बड़े भाई की भूमिका में रहना ही है। असल पेच यही फंसा है। अब सवाल है कि भाजपा कैसे इन घटक दलों को मनाएगी। भाजपा के सामने सीट बंटवारे का काम काफी दुरूह हो गया है, इसे सुलझा पाना आसान नहीं है। भाजपा इसी का उपाय तलाश रही है। भाजपा नेताओं का घटक दलों के नेताओं से मिलना इसी पेच को सुलझाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यह भी सच है कि भाजपा के ये नेता अपनी ओर से कोई उपाय लेकर नहीं मिले हैं, बल्कि वे शीर्ष नेतृत्व के संदेह वाहक भर रहे होंगे। यानी दिल्ली में जो संदेश मिल रहा होगा वही उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में एकमात्र ट्रबल शूटर अमित शाह दिखते हैं। उन्हें हारी बाजू जीतने की कला आती है, रूठे को मनाने में वह माहिर है। नापसंदी की व्यक्तिगत धारणा के बावजूद अमित शाह अब सभी को स्वीकार्य हैं। हालांकि सीटों की घोषणा के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस घटक दल को किस प्रलोभन से भाजपा ने संतुष्ट किया है। वैसे जो सूचनाएं छन छन कर सामने आती रही है उस हिसाब से भाजपा बड़े भाई के रूप में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार चूंकि पुराने सहयोगी रहे हैं इसलिए उनकी सीटों में भी शायद ही कोई कटौती हो। जीतन राम मांझी को एक सीट दी जा सकती है, वैसे ये गया की है, एक सीट पर अड़े हुए हैं। संतोष सुमन को वे गया से लोकसभा भेजना चाहते थे, लेकिन एनडीए ने उन्हें विधान परिषद का प्रत्याशी बना दिया। उनका निर्विरोध निर्वाचन भी तय है। चिराग पासवान और पशुपति पारस सम्मिलित रूप से पिछली बार जितनी यानी 6 सीटें ही मिलेंगी। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 5 ही सीटें बिहार में मिलेंगी, एक सीट बिहार से बाहर या राज्यसभा में दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटों से संतोष करना होगा। कोशिश तो है कि वे एक सीट से ही मान जाए, बाद में राज्यसभा या विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई कर दी जाएगी।
यह भी संभव है कि जीतने पर उन्हें एक इकलौता सांसद होने के बावजूद मंत्री बनाए जाने का भाजपा ने भरोसा दिया हो। मुकेश सहनी को सिर्फ निषाद आरक्षण का आश्वासन चाहिए, उन्होंने अभी तक कोई सीट नहीं मांगी है। भाजपा उनकी मांग पर विचार के लिए कोई कमेटी बनाकर संतुष्ट कर सकती है या उत्तर प्रदेश में एक सीट दे सकती है। हालांकि ऐसी सूचनाएं मीडिया और सियासी गलियारे में चल रही है कि चर्चाओं पर आधारित है। जदयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लंदन गए थे, उन्हें 13 मार्च को लौटना था। भाजपा ने उन्हें पहले ही बुला लिया है, वे आज यानी 11 मार्च को ही लौट रहे हैं। संभव है कि उनके आने के बाद 24 घंटे के अंदर सीटों का ऐलान हो जाए। भाजपा ने अपने 19 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी सूची रविवार को जारी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। संभव है कि भाजपा एक बार में ही बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दे, बिहार में घटक दलों की सीटों की घोषणा भी साथ ही हो। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।